बात करेंगे हम लोग द मैट्रिक्स रिसरेक्शन मूवी की। अब ये मूवी देखने के लिए आपको इसकी ट्रायलॉजी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसकी ट्रायलॉजी नहीं देखी तो ये मूवी के साथ साथ ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बेकार है। खैर बात करेंगे द मैट्रिक्स रिसरेक्शन की, तो ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। ये मूवी की ओवरऑल लेंथ है 2 आवर्स 29 मिनट और कहानी एग्जैक्ट 20 सालों बाद, या तो कह सकते हो थर्ड पार्ट के कई सालों बाद स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें नज़र आते थॉमस एंडरसन, जो कि अब एक हैकर नहीं बल्कि ये एक गेम डिज़ाइनर है। और इन्होंने कौन सी गेम डिज़ाइन की पता है आपको? द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी, यानी कि मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, इन्होंने वही मूवीज़ को गेम में बनाया और ये गेम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब थॉमस को ऐसा लगता है कि ये दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोले, मतलब उनको ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि ये रियल नहीं है। अब ऐसे में वही रेड पिल और ब्लू पिल आ जाती है, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ, तो अगर आप लोगों ने इसकी ट्रायलॉजी देखी और आपको वो ट्रायलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद आए, स्पेशली फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये जो द मैट्रिक्स रिसरेक्शन है वो आपको उतना ही ना पसंद आने वाला है। यार बहुत ही बुरा लग रहा मुझे बोलने के लिए, लेकिन सीरियसली अगर आप ये फ़ैन हो तो वन टाइम जाके देखो, क्योंकि स्टूडियो ने मूवी में ही हमें हिंट दे दिया है। हालांकि वो लोग मूवी में गेम की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एज अ फैन आप लोग खुद समझ जाओगे कि वार्नर ब्रदर्स चाहता है इसकी ट्रायलॉजी बनाना, यानी कि इस नए पार्ट की भी ट्रायलॉजी बनाना चाहता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कहानी में कुछ खासा नयापन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो नयापन हम लोग ढूंढ रहे थे एज अ फैन, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। उसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात को तो यस, इस बार भी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से लिखा, स्पेशली नियो और ट्रिनिटी के कैरेक्टर के बीच की जो डेवलपमेंट या जो जो चीज़ें हैं, वो जो उनके बीच का लव है, वो आपको इस मूवी में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता और अच्छा भी लगता देखने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें तो हमने देख ली, तो फिर से दोबारा से देखना और ये सारे, मतलब वो कुछ ऐसा नया नहीं लगा यार मूवी में। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई एक्शन सीन्स अच्छे हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूं कि कोई भी ऐसा एक्शन सीन है नहीं कि जिसे देखने के बाद, यानी कि पूरी मूवी देखने के बाद आपको कोई भी एक्शन याद रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैट्रिक्स जब हमने पहले देखी थी तो उसमें इतने अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स थे कि वो एक्शन सीन्स आज भी लोग याद करते हैं। और इतना ही नहीं, बॉलीवुड वालों ने तो आवारा पागल दीवाना में एक अक्षय कुमार का सीन था एक्शन का, वो मैट्रिक्स से हूबहू कॉपी किया था। तो आप लोग सोच रहे कि उस वक्त जो एक्शन थे वो कितने अच्छे यूनिक थे, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में देखो तो एक्शन सीन में कुछ भी नयापन नहीं लगा। मतलब अच्छे थे लेकिन वो अलग हटके वाली फीलिंग नहीं आई। BGM अच्छा था। और अगर एक्टर्स की बात करूँ तो यार इस मूवी में हमें दो इंडियन एक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो पूरव कोहली, जिनका कैमियो है, लेकिन कैमियो देखकर अच्छा लगा, चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि हमारा कोई भी इंडियन एक्टर अगर किसी इंटरनेशनल फिल्म में काम करे तो यार बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन यस, प्रियंका चोपड़ा को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उनका काम इस मूवी में अच्छा है और उनका कैरेक्टर भी इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। और दूसरे अगर एक्टर्स की बात करूँ तो यार कियानो रीव्स को कौन भूल सकता है। देखो यार, एज अ नियो यार कह सकते द वन, कियानो रीव्स बहुत ही अलग हटके ऐसा होता है कि वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी में देखें तो कियानो रीव्स का मतलब अंदर कुछ एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब उन्होंने ऐसा लग रहा था कि इस मूवी को मजबूरी में साइन किया या पता नहीं ज़बरदस्ती साइन किया, क्योंकि वो मज़ा ही नहीं आ रहा था जो हमें कियानो रीव्स के पहले प्रीवियस पार्ट्स में मूवीज़ के नज़र आया, वो इसके अंदर वो चीज़ नज़र ही नहीं आई मुझे यार। और जो दूसरी लीड एक्टर जिसने यहाँ पे ट्रिनिटी का रोल प्ले किया, कैसे टिफिनी का रोल प्ले किया, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उन्होंने अपने रोल में जान डाली। उसके बाद जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है, सबका काम मुझे इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं परफॉर्मेंस वैसे कियानो रीव्स से मुझे थोड़ी सी शिकायत रही, तो डायरेक्शन और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था, एडिटिंग भी अच्छी तरह से की जा सकती थी। ओवरऑल ये वन टाइम वॉच मूवी है, नथिंग गुड, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं तो इतना कहूँगा कि भाई अगर घर पे बैठ के अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो वो ज़्यादा बेटर है, थिएटर में पैसे वेस्ट मत करो। लेकिन फिर भी ये मूवी इस वजह से देखो, क्योंकि अगर ये मूवी चलती है तो डेफिनेटली इसके दो पार्ट्स आएंगे, और जहाँ पर ये मूवी ख़त्म हुई है तो उससे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इसका आगे पार्ट आ सकता है, लेकिन ये मूवी चलेगी तो ही आएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतने, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूँगा। मूवी में आपको एज ऑफ अश्लील सीन्स कुछ नहीं, हाँ बस वो किसिंग सीन है, वो भी फर्स्ट पार्ट का जो किसिंग सीन है वो आपको इसमें नज़र आता, बाकी तो कुछ मुझे जैसे बड़ा अश्लील सीन नज़र नहीं आया। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स एन बिलो एवरेज मूवी। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको देखना तो देखो, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।